सीधी सी बात जानता हूँ मैं कि अगर आपका भी YouTube चैनल है तो जो वीडियो बनाते चले जा रहे हो ना, बनाते चले जा रहे हो, बनाते चले जा रहे हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? सबसे पहले, पहली बात तो आपने अपने चैनल की सेटिंग करके नहीं रखी है। सबसे पहले अपने चैनल की सेटिंग करके रखो। भी चैनल बना लिया भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर देते ठीक है, उसके मोबाइल पर सर्चिंग पर जाते हैं, मिल ही नहीं रहा है चैनल, कैसे मिलेगा? तुमने कीवर्ड ही नहीं डाल के रखे किस कैटेगरी का तुम्हारा चैनल है और किस कैटेगरी पे काम करते हो, और अपने चैनल का नाम वगैरह ये सब डाल के ही नहीं रखे हो, तो कहाँ से आपका जो है चैनल सर्चिंग पे आएगा और लोगों तक जाएगा? कैसे यूट्यूब रिकमेंड करेगा आपके चैनल को? तो सबसे पहले ये सब वीडियो बनाना बंद करो और वीडियो देख के पहले अपने चैनल पर सेटिंग करो, ठीक है? तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube चैनल की सेटिंग कैसे करना है और कैसे हमारा चैनल सर्चिंग पे आएगा, और कौन सी कैटेगरी पे अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो उस कैटेगरी का जो भी कीवर्ड है वो कीवर्ड अपने YouTube चैनल पे कैसे डालें, वो भी सेटिंग से, ठीक है? तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ यहाँ पर और आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने YouTube चैनल की कैटेगरी और कीवर्ड कैसे डालें, ठीक है? जिस भी कैटेगरी में सबसे पहले आप लोग वीडियो बनाते हो तो आपके कैटेगरी के नीचे के हिसाब से बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके डिस्क्रिप्शन पे जाओ और वहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वहाँ पे हैशटैग लगे होंगे, वही उनके जो है कीवर्ड होते हैं। और आपने अगर अभी तक नहीं सेट किया तो जो वीडियो बनाते चले जा रहे हो ना, ठीक है, तो किस हिसाब से डालना है और कहाँ से डालना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे चला जाता हूँ मैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले चालू कर देता हूँ। कैसे कीवर्ड डालना है सबसे पहले ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखो, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है आप लोगों, बाद में बोलना मत, ठीक है? तो यहाँ से क्रोम ब्राउजर पे आप लोगों को अपने YT स्टूडियो को लॉगिन कर लेना है। यहाँ से क्रोम ब्राउजर पे गया मैं, और क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे YT स्टूडियो लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? YT स्टूडियो, ये मेरा देखो पहले नंबर पे है, यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से आ करके रखा है, ठीक है? या YT स्टूडियो लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे गया और ये मेरा डेस्कटॉप मोड पे खुल जाएगा, पहले से ही मैंने करके रखा है सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे YT स्टूडियो मेरा क्रोम ब्राउजर पे खुल जाएगा। अब सेटिंग हमको कौन सी करनी है, मान के चलो आपका चैनल कोई सा भी हो, अपने नाम से या फिर किसी के नाम से भी है, ठीक है? मेरा चैनल का नाम क्या है? सपोर्ट वाले, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे के साइड पे देखो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे ये नीचे के साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये दूसरे नंबर पर, ठीक है? यहाँ पे ये चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, जूम कर देता हूँ, है ना, समझ में अच्छे से आएगा। ये चैनल का ऑप्शन मिल गया, अब इस पर क्लिक करूँगा चैनल पर, और यहाँ पर देखो मैंने ये कीवर्ड डाल के रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या कीवर्ड डाल के रखे हैं? मेरे चैनल के हिसाब से जिस नीचे पे मैं वीडियो बनाता हूँ उस हिसाब से मैंने डाल के रखे हैं। आप लोगों को भी, अब मान के चलो जैसे ब्लॉगिंग का चैनल है और टेक एंड साइंस का चैनल है, टेक्नोलॉजी और ब्लॉगिंग, गेमिंग, ये सारे जो कैटेगरी होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड डालने हैं। क्या मैंने क्या डाल के रखा है? मेरे चैनल का नाम आगे पीछे करके डालना है, सर्चिंग में भी आएगा आपका। अगर ये कीवर्ड डाल के रखते हैं तो आपका चैनल सर्चिंग में भी आएगा, ठीक है? तो क्या डाल के रखा है मैंने? सपोर्ट वाले, सपोर्ट वाला चैनल, ठीक है? और क्या डाल के रखा है? टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि मेरा टेक से रिलेटेड चैनल है, ठीक। दूसरा क्या डाल के रखा है? दूसरा मैंने डाल के रखा है यहाँ पे टेक वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि ये भी मेरा एक टॉपिक है। फैक्ट वीडियो कैसे बनाएं, मोरल स्टोरी कैसे बनाएं, सपोर्ट वाले की वीडियो, ये यहाँ पे जितने भी कीवर्ड है ना ये कीवर्ड मैं डाल के रखा हूँ। मोटिवेशन वीडियो कैसे बनाएं, हिंदी स्टोरी कैसे क्रिएट करें, हाउ टू मेक फैक्ट वीडियो, सपोर्ट वाले वीडियो, सपोर्ट की वीडियो, यूट्यूब सपोर्ट, YT सपोर्ट, वायरल वीडियो सपोर्ट वाले की, ये कीवर्ड आपको अपने हिसाब से ना यहाँ पे लिखना है। और ये कीवर्ड अगर आप लोग डाल दोगे ना तो 100% आपका चैनल ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि जब से मैंने ये कीवर्ड डाले हैं तब से मेरा जो है सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हुए और वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और चैनल भी मोनेटाइज हो गया और आज की डेट पर डॉलर भी बन रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर भाई वीडियो डालते रहोगे गधों की तरह और कुछ होएगा नहीं, ठीक। तो ये काम करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये सब करने के बाद करना कैसे है, मान के चलो एक और मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरे उस पर और यहाँ पे डालूंगा सपोर्ट।
अपने ही चैनल का कीवर्ड डाला मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैंने सेव कर देना है, यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये सेव का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया, ठीक है। अब सेव हो गया, अब आप लोग अपने वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को भी चैनल के अपने कीवर्ड जरूर डालना चाहिए। मेरे हिसाब से मानना ये है कि जब तक हम चैनल का कीवर्ड नहीं डालेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जाइए अपने चैनल पे और क्रोम ओपन करिए, वहाँ पे यहाँ पे नीचे की साइड पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सेटिंग पे जाइए और कीवर्ड डालिए अपने चैनल का, अगर नहीं डाला है तो डालना ज़रूरी है, ठीक है। डालने के बाद सेव कर दीजिए और आपका भी काम होने लगेगा, सब्सक्राइबर बढ़ने और कोई ना कोई वीडियो निकल जाएगा तो उसी में सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।